लेक्चर सिक्स, डॉस बॉक्स, मेजर, लिंक, डॉस बॉक्स कमांड्स एंड प्रोग्राम टू प्रिंट अ सिंगल करेक्टर। लेक्चर फाइव में मैंने कहा था कि प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह लिखते हैं, सिंटैक्स के रूल्स क्या होते हैं, और एक सैम्पल प्रोग्राम बनाया था, प्रोग्राम टू प्रिंट अ सिंगल करेक्टर। आज वही प्रोग्राम हम डॉस बॉक्स के ऊपर रन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डॉस बॉक्स इंस्टॉल करेंगे, मैसम और लिंक उसके साथ ही डाउनलोड करेंगे। तो डॉस बॉक्स दरअसल हम क्यों डाउनलोड कर रहे हैं, डॉस बॉक्स है क्या और हम डाउनलोड क्यों कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि व्हाट इज डॉस बॉक्स एंड व्हाई आर वी इंस्टॉलिंग इट। तो डॉस बॉक्स दरअसल एक इम्यूलेटर है। इम्यूलेटर मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम उसके ऊपर अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं, अपना सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। दूसरा, तो ये एक किस्म का इम्यूलेटर है जिसके ऊपर हम असेंबली के प्रोग्राम्स रन करेंगे। डॉस बॉक्स जुलाई 22, 2002 में बना था बाय पीटर विंस्ट्रा ने। अब सवाल ये उठता है कि हम डॉस बॉक्स ही क्यों यूज कर रहे हैं। इम्यूलेटर्स बहुत सारे और भी हैं, और भी इन्वायरमेंट हैं जिसके ऊपर हम असेंबली के प्रोग्राम बना के चला सकते हैं, तो हम डॉस बॉक्स ही क्यों डाउनलोड कर रहे हैं, व्हाई डॉस बॉक्स। इसके अलावा मैजम, माइक्रोसॉफ्ट का अपना इम्यूलेटर भी है मैजम इम्यूलेटर के नाम से, EMU 8086 भी है, यहाँ तक के विजुअल स्टूडियो भी हम यूज़ कर सकते हैं असेंबली के लिए अगर उसके साथ किप आयरन की लाइब्रेरी इंस्टॉल की जाए। तो हम वो सब क्यों नहीं कर रहे, वाई नॉट मैजम इम्यूलेटर, माइक्रोसॉफ्ट का अपना इम्यूलेटर, वाई नॉट EMU 8086, वाई नॉट विजुअल स्टूडियो विथ किप आयरन लाइब्रेरी। तो क्या वजह है? वजह दरअसल, पहली वजह तो यह है कि ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, 100% फ्री सॉफ्टवेयर। इसमें किसी भी किस्म का क्रैक करना नहीं पड़ता। विजुअल स्टूडियो आपको खरीदना पड़ता है, EMU 8086 के कुछ फीचर्स आपको क्रैक करने पड़ते हैं, तो इसमें ऐसा कोई सीन नहीं, ये बिल्कुल ही फ्री सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा ये लाइट, सिंपल और ईजी टू यूज़ है। मैजम देख लें, EMU देख लें, या विजुअल स्टूडियो के साथ किप आयरन की लाइब्रेरी देख लें, या एक दूसरे सॉफ्टवेयर भी हैं, मार्स, बहुत सारे हैं इम्यूलेटर्स, तो उन सब में क्या है, वो काफ़ी अननेसेसरीली उसमें जो चीज़ें हैं कि एक जो कि प्रोफेशनल्स के लिए ज़रूरी हैं, बिगनर्स के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी एडवांसमेंट हो गई, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई, फिर वो इतना सिंपल नहीं रहा, इतना लाइट नहीं रहा, इतना इजी टू यूज़ नहीं रहा बिगनर्स के लिए। तो बिगनर के लिए अगर सिंपलिसिटी चाहिए प्रोग्राम लिखें और रन करें, तो वो उसके लिए डॉस बॉक्स ही सबसे बेस्ट है। बिगनर्स के लिए हम डॉस बॉक्स करते हैं, वो लाइट, सिंपल और इजी टू यूज होता है। हाँ, प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा है कि वो चाहें कोई सा इम्यूलेटर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कि डॉस बॉक्स हर इन्वायरमेंट में चलता है, विंडोज पे, मैक पे, लिनक्स पे और एंड्रॉयड पे। हम इसके अंदर डिबगिंग सीख सकते हैं। डिबगिंग से मतलब ये होता है कि जो हमसे गलतियां होंगी वो हम खुद ढूंढ सकते हैं और उनको सही कर सकते हैं। हालांकि अगर आप EMU 8086 करते हैं, विजुअल स्टूडियो करते हैं, तो उसमें एक हाईलाइटिंग होती है कि आपकी गलती उसी टाइम हाईलाइट हो रही होती है, उसी टाइम पता चल रहा होता है कि क्या गलती है प्रोग्राम के अंदर। तो सब कुछ आपको सॉफ्टवेयर ने बता दिया, तो आप में वो एक इंटेलिजेंस, वो आप में एक सलाहियत नहीं आएगी कि आप खुद ही अपनी गलती निकालो, जब तक आप फ्रॉम वेरी स्क्रेच ना सीखो, खुद से ना बनाओ, खुद से गलतियां ना ढूंढो, जो कि सिर्फ पॉसिबल है डॉस बॉक्स के ऊपर, क्योंकि इसमें किसी तरह की सजेशंस नहीं होती, इसमें किसी भी तरह की इंटेलिजेंस नहीं होती। तो हम सिंटैक्स भी पे भी ग्रिप कर सकते हैं कि सिंटैक्स भी हम अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, कि उसमें सजेशन नहीं होगी तो सिंटैक्स सारे खुद ही याद करने पड़ेंगे, खुद ही लिखने पड़ेंगे, तो हमें सिंटैक्स भी याद हो जाएगा, गलतियां हम खुद ढूंढा सकते हैं, और सिंपल है, बस प्रोग्राम बनाया और रन किया। इसी वजह से हम डॉस बॉक्स इंस्टॉल करेंगे और उसके ऊपर अपना प्रोग्राम रन करेंगे। अब बात आती है कि हम मैजम और लिंक क्यों कर रहे हैं, मैजम और लिंक। डॉस बॉक्स तो चलो ठीक है, एक एनवायरनमेंट जिसके ऊपर प्रोग्राम बना के चलाएंगे, तो मैजम और लिंक की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। मैजम और लिंक की इसलिए ज़रूरत पड़ रही है
क्योंकि डॉस बॉक्स के ऊपर आपका असेंबली का प्रोग्राम बनेगा। अब असेंबली के प्रोग्राम से एग्जीक्यूटेबल डॉट ई एक्स में फाइल जाने के लिए हमें मैजम और लिंक चाहिए। कन्वर्ट असेंबली कोड टू एग्जीक्यूटेबल कोड किस तरह, वो मैंने आपको लेक्चर वन में समझाया था कि सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज आती है जो कि हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली में कोड तो लिख दिया हमने डॉस बॉक्स के ऊपर, अब इसको ऑब्जेक्ट फाइल में चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, असेंबलर, जो कि हमारा कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर मैजम। तो हमने डॉस बॉक्स से प्रोग्राम बनाया, उसके बाद मैजम से इस असेंबली कोड को किस में चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर। अब ऑब्जेक्ट फाइल से मशीन जाने के लिए क्या चाहिए, लिंकर, तो हम यूज़ करेंगे लिंक। तो इसके बाद हमारी फाइल रन हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमारे पास फाइल थी, फाइल नेम कोई भी होगा डॉट एस एम, असेंबली का कोड। फिर मैसम के बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। फिर लिंक के बाद ये क्या होगी, फाइल ई एक्स में चेंज हो गई, फिर हमारी फाइल रन हो जाएगा। अब डॉस बॉक्स जब हम डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, तो उसके ऊपर कुछ कमांड्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए फाइल बनाने के लिए और उसको रन करने के लिए। वो उस टाइम चलाने में समझ आ जाएगा, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता हो कमांड्स के बारे में। तो डॉस बॉक्स की कमांड्स क्या हैं, जब हम फाइल नहीं बनाएंगे या फाइल खोल के देखेंगे तो उसके यूज़ करेंगे हम एडिट, उसके बाद फाइल नेम जो हमारा होगा डॉट एस एम का, असेंबली कोड का कोई भी फाइल होगा। सबसे पहले क्या लिखा, एडिट, उसके बाद लिखेंगे फाइल नेम जो भी होगा, उसके बाद डॉट एस एम, मतलब असेंबली की फाइल। इससे फाइल अगर नहीं होगी तो बन जाएगी, अगर बनी भी होगी तो वो खुल जाएगी। अब फाइल बन गई, प्रोग्राम बना लिया, सेव कर दिया, अब इसको रन करना है। मतलब यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया। अब इसको रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, असेंबलर। हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मैजम, तो हम लिखेंगे मैजम और फाइल का नाम। तो इससे क्या हो जाएगा, फाइल हमारी कन्वर्ट हो जाएगी ओबीजे के अंदर। अब हमारे पास ओबीजे की फाइल बन गई, ऑब्जेक्ट फाइल बन गई। अब इसको ई एक्स में चेंज करना है, मतलब किससे, लिंक, तो हम लिखेंगे लिंक और फाइल ओबीजे वाली, फाइल नेम डॉट ओबीजे। अब हमारे पास ये फाइल आखिरी बन गई, तो सिंपली हम इस फाइल का नाम लिखेंगे और वो रन हो जाएगी। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे सेमी कोलन है, यहाँ पे भी सेमी कोलन है, इन दोनों में नहीं, क्योंकि सेमी कोलन लगाने के बाद जो पीछे प्रोसेसिंग हो रही होती है वो हमें रिक्वायर्ड नहीं होती, तो हम सेमी कोलन लगा देते हैं। बस सेमी कोलन लगाया, वो खुद ही कन्वर्ट हो गया और हमें स्क्रीन पे कुछ शो नहीं हो रहा होता। तो ये दोनों हमें सेमी कोलन इन दोनों की जगह पे लगाना पड़ेंगे, यहाँ पे नहीं और यहाँ पे नहीं। अब डॉस बॉक्स कहाँ से डाउनलोड करेंगे, मैजम और लिंक, उसकी लिंक क्या है, लिंक है प्रोग्रामोलॉजी सॉफ्टवेयर्स डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। यहाँ से हम डॉस बॉक्स डाउनलोड करेंगे, मैजम लिंक, और उस पर ऊपर हम प्रोग्राम बनाएंगे प्रिंट अ सिंगल करेक्टर। तो करते हैं डाउनलोड, हमने वेबसाइट खोल ली प्रोग्रामोलॉजी सॉफ्टवेयर्स डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम की। यहाँ पे जाएंगे, सर्च करेंगे डॉस बॉक्स, ये आ गया डॉस बॉक्स प्लस मैसम प्लस लिंक फॉर असेंबली लैंग्वेज। तो हमने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया, यहां से हम डाउनलोड करेंगे इसको। सेव किया, डाउनलोड हो गया, क्योंकि बिल्कुल ही लाइट था, 1.8 MB का सिर्फ। तो हमने इसके पास गए, यहां पड़ा हुआ है, हमने इसको यहां पे एक्सट्रैक्ट किया, यहां आ गया। तो इसके अंदर एक फोल्डर है MP, मतलब माइक्रो प्रोसेसर। इस आप कोई भी इसका नाम लिख सकते हो अपनी मर्जी से, मैंने इसका नाम ऐसे MP लिख दिया। इसके अंदर मेरा मैजम भी पड़ा हुआ है, लिंक भी पड़ा हुआ है और एडिट भी पड़ा हुआ है। इसके अलावा दूसरे भी टूल्स हैं जो कि असेंबलर जो प्रोफेशनल होता है वो काम कर सकता है, इनसे इनको यूज़ कर सकता है, लेकिन हमारे काम में मैजम, लिंक और एडिट होगा, फाइल बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए असेंबली कोड को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूटेबल करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डॉस बॉक्स इंस्टॉल करेंगे, डबल क्लिक किया इसके ऊपर, यस कर दिया, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल। कंप्लीट हो गया, क्लोज। देखिए कितना लाइट था कि
इंस्टॉल भी हो गया। अब इंस्टॉल डेस्कटॉप पे हमारा आइकन बना हुआ शो हो रहा होगा, ये डॉस बॉस का आइकन शो हो रहा है, मतलब हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें जो ये फोल्डर उसके साथ दिया हुआ है मेजमो लिंक, ये कहाँ रखें? ये आप कहीं भी रख सकते हैं, किसी भी पाथ पे रख सकते हैं, उस पाथ को हम डॉस बॉक्स में लिंक करवा देंगे। लेकिन सबसे बेस्ट प्रैक्टिस हमारी ये होती है कि हम इसको कॉपी करें या कट कर दें, आपकी मर्जी है। कॉपी किया, सी में गए, बिल्कुल मेन सी ड्राइव में आ गए, बिल्कुल मेन सी ड्राइव, ठीक है। ये देखें सी ड्राइव, इसके अंदर अब किसी फोल्डर में नहीं जा रहे, बाहर ही बाहर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट कर दिया, फिर हमारे पास ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर हमारी है फाइल्स बनी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब हम इस फोल्डर को डॉस बॉक्स में लिंक करेंगे और अपना प्रोग्राम बनाएंगे। हमने यूं खोला, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जो हम एमपी फोल्डर हमने सी ड्राइव के अंदर रखा है उसको सबसे पहले यहां पे लिंक करेंगे। ये जेड क्या है, आप इसको यूं समझिए कि आपका एक कंप्यूटर खुल गया, ये डॉस बॉक्स एक एनवायरनमेंट खुल गया, इसके ऊपर एक ड्राइव बनी हुई है जेड के नाम से बिल्ट इन। तो अब हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है एमपी फोल्डर के अंदर जहाँ हमारा मेजम पड़ा हुआ है, जहाँ एडिट पड़ा हुआ है, जहाँ लिंक पड़ा हुआ है। तो वहाँ जाने के लिए कनेक्शन बनाना पड़ेगा डॉस बॉक्स का उस फोल्डर से, एक फिजिकल फोल्डर का डॉस बॉक्स के साथ वर्चुअली कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो उस कनेक्शन के लिए हम लिखते हैं माउंट, फिर कोई भी नाम अपनी मर्जी का दे दें जो कि हम डॉस बॉक्स के अंदर उसको उससे कॉल करेंगे। तो मैंने सी दे दिया। उसके बाद कहाँ पड़ी हुई फाइल एमपी की, पूरा पाथ सी स्लैश और एमपी फोल्डर आपका। इससे क्या हुआ कि ये एमपी फोल्डर जो है माउंट हो गया डॉस बॉक्स के अंदर, किस नाम से, सी के नाम से। अब सी के नाम से सी की ड्राइव की तरह ये एक एमपी फोल्डर यहां पे कनेक्ट हो गया। हम इंटर दबाएंगे तो ड्राइव सी इज माउंटेड एज लोकल ड्राइव। अब ये पाथ यहां पे लिंक हो गया। अब हमें कहां जाना है, इस सी के अंदर जो कि हमने वर्चुअली कनेक्ट किया है। यहां पे आ गए। अब जेड से हम कहां पे आ गए, सी में। अब सी ड्राइव क्या है, सी ड्राइव एक वो पाथ है, एक वर्चुअल पाथ है जहां पे हमारा फिजिकल ड्राइव एमपी वाला कनेक्ट हुआ हुआ है। अब हम एडिट भी यूज कर सकते हैं, अब हम लिंक भी यूज कर सकते हैं, और हम अब मैजम भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइल बनाते हैं। फाइल बनाने के लिए लिखेंगे हम एडिट और फाइल का नाम, उसके बाद डॉट एएसएम। इससे फाइल नहीं होगी तो बन जाएगी, बनी हुई होगी तो खुल जाएगी। ये फाइल खुल गई, यहां हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे और उसको यहां पे जाके सेव कर देंगे, फिर हम उसको एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम किसी भी नाम की फाइल बना सकते हैं। इसको दोबारा खोलना होगा, हम दोबारा ये कमांड लिखेंगे। तो बिलफर्स जो हम प्रोग्राम टू प्रिंट सिंगल करेक्टर बनाते हैं, तो एडिट लिखा। अब दोबारा मैं इसी फाइल को खोलता हूं, लिख दिया एफ डॉट एस एम। अब ये फाइल खुल गई। अब मैं यहां पर प्रोग्राम बनाता हूं, प्रोग्राम टू प्रिंट अ सिंगल करेक्टर। यहां सबसे पहले कमेंट दिया जो कि टाइटल कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि टाइटल हम कमेंट से स्टार्ट करेंगे, लेक्चर 5 में मैंने आपको ये समझाया था। उसके बाद डोजेक जो कि सेगमेंट संभालेगा, अरेंज करेगा। उसके बाद डॉट मॉडल स्मॉल डायरेक्टिव, स्मॉल हमने साइज दे दिया। उसके बाद डॉट स्टैक 100H, डॉट डेटा, डॉट कोड, डॉट कोड, डॉट कोड के बाद हमने प्रोसीजर स्टार्ट करना है, मैन प्रोक
उसके बाद इसको एंड भी करना होगा, मैन एंड प्रोसीजर एंड मैन। इसके अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे, मैं आपको सब समझा चुका हूँ लेक्चर 5 के अंदर। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप सबसे पहले ये लेक्चर 5 देख लें। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करना है, हमें एक करेक्टर प्रिंट करना है। तो हमने डीएल के पास भेज दिया कोई भी सिंगल करेक्टर, इसको प्रिंट करना है तो हमने एच के पास सर्विस रूटीन भेज दिया 2 का और इंटरप्ट कॉल कर दिया। फिर हम यहाँ से निकलना है, एग्जिट होना है इस रजिस्टर से, तो हम एच के पास 4CH भेज दिया इंटरप्ट और सर्विस रूटीन 4CH, फिर इंटरप्ट कॉल कर दिया तो हम वापस किया जाएंगे। सबसे पहले टाइटल लिख दिया, फिर डॉट सेगमेंट जो कि सेगमेंट्स अरेंज करेगा, उसके बाद डॉट मॉडल डायरेक्टिव जो कि स्पेस डिफाइन कर रहा है स्मॉल, फिर स्टैक, फिर डेटा, फिर कोड, फिर प्रोसेस स्टार्ट किया, डीएल के पास ए भेज दिया और सर्विस रूटीन को भेज दिया एच के पास के प्रिंट कर दो 2। फिर हम वहाँ से निकलने के लिए 4CH सर्विस रूटीन भेज दिया एच के पास। अब यहाँ से निकल के वापस किया गया, प्रोसीजर एंड हुआ और प्रोग्राम एंड हुआ। अब हम जाएंगे यहाँ पे इसको सेव करेंगे और यहाँ पे इसको जाके एग्जिट करेंगे। फिर अब इसको हमने बना दिया, इसको रन करना है, मतलब अब SM की फाइल बन गई, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ऑब्जेक्ट फाइल में। तो हम लिखेंगे मैसम, फाइल का नाम .asm, इसके बाद सेमी कोलन, मैंने आपको बताया था यहाँ पे आगे कोई एरर नहीं है, आप देख रहे हैं कोई भी एरर नहीं। अगर आपकी प्रोग्राम में कोई गलती होगी तो आपको एरर शो हो जाएगा यहाँ पे, नो वार्निंग एरर, नो सेव एरर। अब ऑब्जेक्ट फाइल बन गई, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, एग्जीक्यूटेबल में। तो हम लिंक लिख दिया और फाइल नेम फाइल डॉट ओबीजे हो गया। अब रन करके देखना है इस फाइल को, फाइल डॉट ई एक्स ई ए प्रिंट हो गया सक्सेसफुली। थैंक यू एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।